Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. In figure ABD is a right angled triangle, right angled at A. ठीक है भाई. And AC is perpendicular to BC. BC बोले या BD बोले एक ही बात है. I think book में BD लिखा है तो मैंने भी BD कर दिया. Show that. और ये तीन parts आपको करने हैं. तो देखिए आपकी book में एक theorem दिया है, theorem 6.7 NCERT में. और वो जो statement कहता है वो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ. इसी theorem 6.7 पर बेस्ड करके एनसीईआरटी ने क्लास 10th में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया है. क्लियरली इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मेरा गेस है कि पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस ने दिया है तो थ्योरम 6.7 भी पाइथागोरस ने ही दिया होगा. तो बट लेकिन इसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं कह सकते हैं. तो मैं इसे लिखता हूं, ये हो गया थ्योरम 6.7. 6.7 कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मतलब नाम है उसका. 6.7 केवल एनसीईआरटी की वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी में 6.7 में ये थ्योरम दी हुई है आपको. क्या कह रही है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर. तो इसका क्या मतलब है वो मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस यानी कि ये इसकी तरफ एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है तो होगा क्या कि दो बेबी ट्राइंगल्स आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना. बड़े ट्राइंगल के अंदर दो बेबी ट्राइंगल्स हैं, वो दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होंगे, ऐसा ये थ्योरम कह रहा है. और इसी को यूज करते हुए हम लोग ये स्टेटमेंट, ये तीनों जो प्रूव करने वाले सवाल हैं वो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे फिर आगे की बात हो पाएगी. ठीक है, गिवन लिखते हैं. देखिए क्या गिवन है, बहुत ज्यादा नहीं है. गिवन ट्राइंगल एबीडी राइट एंगल्ड एट ए. और क्या दिया हुआ है? एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी. प्रूव क्या करना है, कोई हमें कंस्ट्रक्शन यहां पे विशेष नहीं करना पड़ेगा. टू प्रूव, क्या प्रूव करना, पहला वाला ही लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी. ठीक है. और तीनों पार्ट में आपको एटलीस्ट टू प्रूव लिखना चाहिए, गिवन एक ही बार लिखिए तो अच्छा रहेगा. और उसके बाद हम लोग प्रूफ पे आ जाते हैं. तो प्रूफ हमारा पहली ही लाइन क्या लेके आएगी इस थ्योरम से. हम क्या कहेंगे कि बड़ा वाला ट्राइंगल इन दो छोटे ट्राइंगल से सिमिलर. अब बेबी ट्राइंगल्स की थोड़ी बात कर ली जाए. देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो यहां पर आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में भी ये एंगल जो है 90 डिग्री है. तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. और हमने क्या किया, इसे ऐसे रोटेट करके यहां पे लाए हैं तो पॉइंट बी तो हमारा वहीं पे रह जाएगा और इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा ए. फिर से देख लीजिए, ये एक तरीके से जो ट्रायंगल है इसमें ये C
उसी पॉइंट को हम लोग ऐसे करके ले आए हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारा यही वाला ट्रायंगल है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये छोटी वाली लाइन CD है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी CD, ठीक है। ये 90 डिग्री पे सी है, 90 डिग्री पे सी है। फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया A। यहां पे भी देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाला जो है CD इस और ये CA है, तो इसको हम लोग ले आए हैं ऐसे, है ना। CD जो है ये ऐसे आ गया, ठीक है। आई थिंक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हैं सेम, आपको समझ में आ रहा है। इस तरह बनाने से क्या होता है कि हम लोग सिमिलर ठीक से लिख पाते हैं। तो अब हम लोग को गिवन ट्रायंगल क्या है, ABD। तो हम लोग प्रूफ में पहली ही बात लिख देंगे, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। कैसे आ रहा है ये आ रहा है थ्योरम 6.7। इसको हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 समझ लेते हैं। अब इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो थ्योरम 6.7 से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, तो अब हम लोग को कुछ भी सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कैसे इस तरह की चीजों को सिमिलर प्रूव किया जाता है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने प्रूव करके दिखाया भी है। तो लेकिन ये अगर आप थ्योरम जानते हैं तो इन्हें इंडिविजुअली 3 बार सिमिलर प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए थोड़ी जगह खाली करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, AB² BC × BD। तो देखिए AB देखते हैं किन ट्रायंगल में है, AB यहां कहीं पे भी नहीं, पॉइंट B है ही नहीं यहां पे, तो AB यहां पर है और AB यहां पर, यानी कि हमें इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना चाहिए। और ध्यान से देखिए BC BD दिया हुआ है ना, तो जब पॉइंट बी यहां पे नहीं है तो ये फिर से देख सकते हैं, चाहे AB² को देखा जाए तो भी इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, और चाहे BC BD को देखा जाए तो भी इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। तो पक्का है इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। कैसे हम लोग लिख सकते हैं, रीजन है थ्योरम 6.7। और आप थ्योरम 6.7 लिखिए एक बार जैसे मैंने किया, और पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए, उसके बाद आपको वो स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आप केवल यही लिख, आप उसका नाम थ्योरम 1 भी बना सकते हैं। जैसे पाइथागोरस का एक मैथमेटिशियन के नाम पे है, ऐसा ये किसी मैथमेटिशियन के नाम पे नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर ये पाइथागोरस ने ही दिया है। ओके, तो ये जब सिमिलर है तब हम लोग बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होंगी। तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB डिवाइडेड बाय, ये AB है और डिवाइडेड बाय BC, है ना, AB डिवाइडेड बाय BC। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग करने में कितना आसान हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये है हमारे पास, तो इसका नाम यहां पे क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ, तो ये हो गया BD डिवाइडेड बाई, यहां पे अब AB दोबारा आ गया, तो ये आ गया AB। तो आप देख सकते हैं कि इसको इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका इसके लिए रीजन देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, बोलिए भाई, सिमिलर ट्रायंगल्स, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, AB² इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय BD, बस खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में फिर से बोलेंगे टू प्रूव दैट, ऐसा
और मैं सेकंड पार्ट भी यहीं पे करे दे रहा हूं। आप देखिए सेकंड पार्ट में एसी है, बीसी, डीसी है, तो देख लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए एसी तो यहां पे है और बीसी डीसी, फिर देखिए पॉइंट बी यहां पर नहीं है, तो देखते हैं हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसे। फिर से एलएचएस में हम लोग आते हैं, एसी स्क्वायर है यहां पर, है ना। तो आप देख हम जहां पर यहां पर हम लोग ने पहले किया था कि ए बी स्क्वायर था, तो ए बी स्क्वायर ऐसी चीज है जो किसी दो ट्रायंगल में कॉमन हो। तो यहां पे देखिए ए बी नहीं है, यहां पे ए बी है और यहां पे ए बी था। उसी तरह से ए सी स्क्वायर हमें ढूंढना है कौन से दो ट्रायंगल में, यानी ए सी दो बार होना चाहिए कौन से ट्रायंगल्स में है। तो यार ए सी यहां तो है और ए सी यहां पे है और ए सी यहां पे भी, तो ए सी अब तीनों में है। तो अब हम लोग कैसे करें, बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी सी। तो अब आप देख सकते हैं बी सी यहां पर है और डी सी यहां पे है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना होगा सिमिलर। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ट्राइंगल सी बी ए, ये वाला इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग कि यहां पर ए सी डिवाइडेड बाई डी सी तो हम लोग कम से कम लिख सकते हैं इसके लिए, है ना, ए सी डिवाइडेड बाई डी सी। फिर उसके बाद बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि यही स्टेटमेंट जो है दोबारा आ जाएगी। फिर से हम लोग यही दो रीजंस लिख देंगे, थ्योरम 6.7 और ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और आपका इस बार भी आंसर आ जा रहा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी सी। तो अब हम लोग देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग ने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, तो अब पक्का है कि तीसरे वाले क्वेश्चन में इन दोनों को सिमिलर करना होगा। अब यहां पे हेंस प्रूव्ड, यहां पे हेंस प्रूव्ड, और देखिए थ्योरम 6.7 यूज करते ही हम लोग का राइटिंग वाला काम बहुत कम हो गया, वरना हम लोगों को तीनों पेयर ऑफ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता। हर बार हम लोग उस केस में ए ए सिमिलैरिटी यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी कर सकते थे, बट लिखना ज्यादा पड़ता। चलिए जगह साफ करें, थर्ड पार्ट में इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर लिखना है। ऑलरेडी हमें रीजन पता है थ्योरम 6.7, तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी। सी ए डी क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, ऑटो कैड एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, इंजीनियरिंग में काम आता है, सिविल में और मैकेनिकल में स्पेशली। ओके खैर कैड भूल जाइए, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं क्यों, थ्योरम 6.7 की वजह से। और तुरंत हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एडी बीडी सीडी ऐसा करना है हम लोगों को, तो एडी डिवाइडेड बाय सीडी तो हम लोग पक्का लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एबीसीडी का काम होगा बीडी, देखिए कहां है बीडी, इसमें है, तो बीडी फिर से एडी के प्रोपोर्शनल है, तो बीडी डिवाइडेड बाय एडी, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर होना ही है बीडी डॉट
सीडी, इसके लिए भी लिख दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए लॉकडाउन चल रहा है, उसमें भी ट्रक्स निकल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हेंस प्रूव्ड, ट्रक्स शायद लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान खाने पीने का ले जा रहे होंगे। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।